दिस इज़ लेक्चर नंबर 13 ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा था, पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड फिर इस क्लास में हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। फिर हम सिग्मा रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। सो इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन का इसमें स्टेबिलिटी पूछा है। तो आपको पता है कि जो कार्बोकेटाइन है उसका स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच करेंगे जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? प्लस एम, प्लस एच एंड प्लस आई। अब देखिए ध्यान से इन सब में, इसमें देखिए NH2 है, NH2 पे लोन पेयर यानी ये प्लस एम ग्रुप की तरह काम करेगा। सी डबल बॉन्ड OH ये माइनस एम ग्रुप की तरह काम करता है। CT3 ये प्लस एच ग्रुप है और CH3 भी आपको पता है प्लस एच है, और यहाँ पे CH3 का भी प्लस, यहाँ पे CH3 सिंस मेटा पे है तो मेटा पे एच इफेक्ट नहीं लगता है तो इसको प्लस आई बुलाएंगे, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, तो इसमें प्लस एम एक ही है और आपको पता है ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो पहले मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे तो ये प्लस एम ग्रुप है, तो प्लस एम ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया ए। फिर आप इसमें देखिए, फिर एम के बाद हम देखेंगे एच इफेक्ट, तो एच इफेक्ट इस दोनों में लग रहा है। अब आपको पता है कि जो एच इफेक्ट होता है वो CH3 का ज़्यादा होता है CT3 से। एच इफेक्ट अपन लिख लेते हैं कि CH3 का एच इफेक्ट इज ग्रेटर देन CT3 का एच इफेक्ट, ये हम बात किए भी थे पहले। तो ए के बाद फिर हो जाएगा डी स्टेबल और फिर सी स्टेबल, क्योंकि एच इफेक्ट दोनों में लग रहा है तो पहले एच इफेक्ट हम कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस तीनों में कंपेयर करिए, देखिए इसमें लग रहा है एम इफेक्ट, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, तो बी सबसे लास्ट में गया तो ये भी हो गया। अब आप इस दोनों में कंपेयर करिए, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें एक ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो एच के बाद हम आई इफेक्ट देखते हैं तो पहले आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा एफ, फिर आ जाएगा लास्ट में बी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको कार्बो एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पूछा है। आपको पता है नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप होगा जो इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खोलिए, जो NO2 है ये माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, NO2 माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, लेकिन NO2 जो है वो माइनस एम इफेक्ट लगाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। मेटा पे NO2, तो NO2 का सिर्फ हम माइनस आई कंसीडर करेंगे, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑर्थो है और यहाँ पे पैरा पे है, यानी NO2 का माइनस एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे सेम होता है। तो आप देखिए इस और इस मॉलिक्यूल में NO2 का ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम इफेक्ट सेम होगा, तो अगर माइनस एम इफेक्ट सेम होगा तो फिर हम देखेंगे माइनस आई। तो देखिए यहाँ पे NO2 जो है वो नेगेटिव चार्ज के पास में है तो ये सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, यहाँ दूर हो गया तो इसका माइनस आई मिनिमम, ठीक है। तो ये तीनों में ये माइनस एम है, NO2, ठीक है। आप अगर इस दोनों में चेक करिएगा तो सबसे ज़्यादा ये होगा 1 और फिर कम होगा ये, फिर आप यहाँ पे चेक करिए, फिर यहाँ पे देखिए इसमें माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, इसका भी माइनस एम इफेक्ट लग रहा है और इसमें माइनस आई ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा वन होगा, फिर होगा 3, ठीक है। फिर आप देखिए
अब इसको अभी छोड़िए, आप इस तीनों में देखिए, इसमें देखिए तो इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें ओ एम ही है, यानी इसका प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। प्लस एम क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, यानी कि प्लस एम इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करेगा, और यहाँ पे एम ई है तो एम ई प्लस आई लगाएगा, तो सबसे लास्ट में होगा 5, तो सबसे लास्ट में होगा 5, इससे पहले होगा 6, क्योंकि 6 का प्लस आई लग रहा है, तो 6 ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। फिर आप चेक करिए 4 और 2 में, इसमें माइनस आई लग रहा है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, तो माइनस आई क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका 2 स्टेबल होगा, फिर 4 स्टेबल होगा, फिर 6, तो ये ऑर्डर बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछा है, तो आपको पता है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जो है वो कौन बढ़ाएगा, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई ऑर्डर में। तो यहाँ देखिए OH जो है ऑर्थो पे है, तो है OH का प्लस एम लगेगा, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पे है तो यहाँ OH का सिर्फ माइनस आई लगेगा, OH आपको पता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और OH यहाँ पे है पैरा पे तो यहाँ पे OH का प्लस एम इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, तो अब देखिए ये प्लस एम है और साथ साथ OH का माइनस आई यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा है, यहाँ पे प्लस एम तो है पर आई माइनस आई मिनिमम है, तो स्टेबल सबसे ज़्यादा थर्ड होगा, तो सबसे ज़्यादा थर्ड स्टेबल होगा, फिर 1 होगा क्योंकि हम प्लस एम सबसे ज़्यादा लेंगे, तो फिर 1, फिर आप 4 और 2 में देखिए, यहाँ OH का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो माइनस आई कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को कम कर देगा, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है तो सबसे ज़्यादा 4 फिर 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पहले भी हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, अभी और डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ये देखिए NO2 का अगर हम माइनस एम इफेक्ट की बात करते हैं, तो NO2 का CN से ज़्यादा, CN का CHO से ज़्यादा, तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। फिर अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं, तो माइनस आई इफेक्ट OR का ज़्यादा होता है OH से, और इसी का उल्टा प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर होता है OH का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है OR से, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछा है, तो कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो उसके साथ ऐसा ग्रुप अटैच करेंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगा है CHO, तो CHO का होता है माइनस एम इफेक्ट, यहाँ पे लगा है NH2, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये है प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे है OH तो OH का भी प्लस एम इफेक्ट शो होगा, ठीक है। यहाँ पे है NHC(OCH3), नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इधर भी जाएगा और इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, तो प्लस एम इफेक्ट तो होगा इसका प्लस एम इफेक्ट होगा। फिर Cl देखिए, Cl का होता है माइनस आई, आपको पता है हेलोजन का आई इफेक्ट डोमिनेट, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस एम इफेक्ट के ऊपर। फिर NO2 जो है ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, और OCH3 ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अच्छा ध्यान से देखिए, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को प्लस एम बढ़ाएगा, तो प्लस एम कौन कौन शो कर रहा है, 1, 2, 3, 4, अच्छा 4 प्लस एम शो कर रहे हैं। अगर सब प्लस एम शो कर रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि कौन स्ट्रांग प्लस एम है। अब ध्यान से देखिए, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो आपको पता है कि अभी हम बात करके आए थे NH2 और OH में बात करते हैं, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो प्लस एम इसका सबसे ज़्यादा इसके कंपेयर में इसका कम होगा प्लस एम, ठीक है। फिर आप NO2 और OCH3 की बात करिए, NO2 और OCH3 की बात करिए, तो आपको पता है NO2 तो माइनस एम है, तो माइनस एम तो सबसे ज़्यादा कम स्टेबल देगा। OCH3 और इसमें बात करिए, तो इसमें OCH3 जो है, इसमें जो देखिए लोन पेयर है, ये इधर भी जाएगा इधर भी रेजोनेंस, तो यानी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा लेकिन कम शो करेगा, और यहाँ इसके कंपेरिजन में यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा,
तो सबसे ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा 2 का, फिर 3 का, फिर 7 का, फिर 4 का। तो ये हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया। अब इसमें आप कंपेयर करिए, आप देखिए CHO और NO2 में, यहाँ से देखिए CHO और NO2 में NO2 का माइनस एम ज़्यादा, तो NO2 का माइनस एम ज़्यादा, तो माइनस एम कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को सबसे कम करेगा, तो सबसे लास्ट में आएगा 6, ठीक है, फिर आएगा 1, और सिंस ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो ये आएगा 5 पर। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि NO2 CN CHO में माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर होता है ये, माइनस आई इफेक्ट का OR OH में ये ऑर्डर होता है, और प्लस एम का ठीक इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बो एनाइन दिया गया है और कार्बो एनाइन का स्टेबिलिटी पूछा है। अब आप देखिए, ये कार्बो एनाइन जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड कार्बन पे है, और डबल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हम NO2 का मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगाएंगे, फिर हम NO2 का आई इफेक्ट लगाएंगे, और आपको पता है NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिंस नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि नेगेटिव चार्ज अगर डबल बॉन्ड कार्बन पे है तो वो लोकलाइज्ड होता है। तो यहाँ पे NO2 का हम माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। तो ये देखिए NO2 कार्बो एनायन के पास में है, तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा, फिर इससे दूर जा रहा है, जैसे जैसे दूर जाएगा, आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जैसे जैसे दूर जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, माइनस आई इफेक्ट कम होगा, और माइनस आई क्या करता है, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि कार्बो एनायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। माइनस आई क्या करेगा, उसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो जितना ज़्यादा माइनस आई उतना कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी होगा, तो इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा, तो ऑर्डर हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें कार्बो एनायन दिया है, कार्बो एनायन यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड कार्बन पे होगा, तो ये लोकलाइज्ड है, यहाँ कार्बो एनायन इस पे है तो ये डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है तो यहाँ NO2 का हम माइनस एम इफेक्ट लगाएंगे, और सिंस ये कार्बो एनायन नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है तो यहाँ NO2 का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, और आपको पता है NO2 का माइनस एम डोमिनेट करता है ओवर माइनस आई, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें देखिए कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए NO2 और CN ग्रुप अटैच्ड है, तो आपको पता है माइनस एम का ऑर्डर NO2 का सबसे ज़्यादा, CN से, और फिर CHO। तो इसके अकॉर्डिंग NO2 क्या है, इसका माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा, और माइनस एम इफेक्ट क्या करता है, माइनस एम ग्रुप क्या करता है, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए कि इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए जो NO2 ग्रुप है वो ट्राइंगुलर ग्रुप है, और ट्राइंगुलर ग्रुप होने के कारण इसके आसपास मिथाइल अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। आपने पढ़ा था SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिटरी रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि स्टेरिक क्राउडिंग के कारण रेजोनेंस नहीं हो पाता है, तो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो NO2 का हम माइनस एम इफेक्ट नहीं लगाएंगे, NO2 का सिर्फ हम माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। और यहाँ पे CN जो है एक छोटा ग्रुप है, CN को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है स्टेरिंग क्राउडिंग से, तो यहाँ पे CN का हम माइनस एम इफेक्ट लगाएंगे, और CN का यहाँ पे है माइनस एम इफेक्ट, और यहाँ पे NO2 का है सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। माइनस एम नहीं लगा सकते क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, रेजोनेंस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि NO2 जो है ट्राइंगुलर बल्की ग्रुप है, स्टेरिक इनहिबिशन होगा रेजोनेंस का, तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा। डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव। अब आप देखिए NH4 पॉजिटिव में इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो कार्बोकेटाइन अगर किसी ऐसे एटम पे है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल माना जाता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन को देखिए,
इसमें आपको दिख रहा होगा कि ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। आपको पता है कि ब्रिज हेड बाईसाइक्लिक पे अगर ब्रिज हेड एटम पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसमें हम स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे कार्बोकेटाइन। अब आप इस दोनों में चेक करिए, इसमें कार्बोकेटाइन जो है वो इस कार्बन पे है और इसमें कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे है। अब आप यहाँ पे अल्फा एक चेक करिए, इस कार्बन के बगल में इस कार्बन को हम बुलाएंगे अल्फा कार्बन, इस पे तीन हाइड्रोजन, तो तीन तो यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे देखिए इसके बगल में ये कार्बन को भी अल्फा कार्बन बुलाएंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पांच अल्फा हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे पांच अल्फा एच है, तीन इस कार्बन पे, दो इस कार्बन पे। देखिए ये अल्फा एच नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन करवाइएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ब्रिज हेड एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इस अल्फा एच को नहीं काउंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और अगर ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे एक ही अल्फा एच है, तो यहाँ एक अल्फा एच है, तो यहाँ पांच अल्फा एच है। तो अकॉर्डिंग टू एच इफेक्ट बी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा सी से, तो बी का स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर सी का, ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। अब हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सिग्मा रेजोनेंस। देखिए सिग्मा रेजोनेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम बात कर रहे हैं साइक्लोप्रोपेन के बारे में। तो ये आपके पास है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 128 डिग्री कुछ मिनट, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए 128 डिग्री, पर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 128 डिग्री। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये है, लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज कर गया? अब आपको पता है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो भी डिक्रीज करता है। अगर नहीं भी पता है तो आप याद कर लीजिए कि बॉन्ड एंगल घटता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर घटता है। अब आप देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर घटने का मतलब क्या है, कि परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड बिहेव करता है। सिग्मा बॉन्ड बिहेव्स एज पाई बॉन्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल कम हो गया। एक्चुअली बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, है 60 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल कम होने से कारण परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया, परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर घट गया, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा, तो सिग्मा बॉन्ड विल बिहेव एज पाई बॉन्ड। तो ये कुछ ऐसा नहीं होता साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये जो आप ऐसे स्ट्रेट बना रहे हैं ये ऐसे स्ट्रेट नहीं बॉन्ड होता, ये बॉन्ड ऐसे घूम जाता है क्योंकि बहुत कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसका सबसे कम है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको साइक्लोप्रोपेन दे दे और साइक्लोप्रोपेन के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज दिखे तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, साइक्लोप्रोपेन स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या होगा, इस पहले तो आप देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसको हम CPM कैटाइन भी कहते हैं, CPM कैटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो क्या होगा कि इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है,
अब क्या होगा, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड टूट करके क्या होगा, इधर आ जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड टूट करके इधर आ जाएगा। तो आप देखिए कैसा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड टूट करके इधर आया और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां बॉन्ड एंगल कम हो रहा था, एंगल स्ट्रेन ज्यादा था, तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी पाने के लिए वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया, रेजोनेंस हो गया। तो सिमिलरली ये बॉन्ड टूटा, सिमिलरली ये बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यहां डबल बॉन्ड और फिर यहां पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड को इसे ऐसा बना देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये दोनों बॉन्ड टूट रहा है तो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड और यहां पे है CH2। तो एंगल स्ट्रेन हाई होने के कारण, एंगल स्ट्रेन हाई होने के कारण ये बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड टूटने से क्या होगा, एंगल स्ट्रेन जो है वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज होगा और स्टेबिलिटी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सिग्मा रेजोनेंस, इसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पढ़ा था कि CH सिग्मा बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो ये एक तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। तो इसमें अगर आपको ऐसा कैटाइन मिले, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए मॉलिक्यूल टूट जाता है, टूटने के लिए मॉलिक्यूल तैयार ही बैठा है, तो इसीलिए स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो इसको सिग्मा रेजोनेंस बुलाते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, या इसको हम डांसिंग रेजोनेंस भी बुलाते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। सो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन नजर आ रहा है, और इसमें तीन है और इसमें दो है, इसमें एक है और फिर ये है, फिर ये है। तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा है बेंजीन ग्रुप है, और बेंजीन के ऊपर एक कोई जी नाम का ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऑर्थो, ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन। तो यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा पे अलग अलग ग्रुप लगाने से अलग अलग इफेक्ट आता है मॉलिक्यूल पे। कैसे, अगर हम ऑर्थो पे बात करते हैं तो आपको पता है ऑर्थो पे कौन कौन सा इफेक्ट लगता है। ऑर्थो पे प्लस एम लगता है, माइनस एम लग सकता है, प्लस एच माइनस एच लग सकता है, प्लस आई माइनस आई लग सकता है, और यहाँ पे ऑर्थो पे एस आई आर भी लगेगा, एस आई पी रूल भी लगेगा, और यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगेगा। तो ये सब यहाँ पे लगता है ऑर्थो ग्रुप पे। अगर हम मेटा ग्रुप पे बात करें तो मेटा ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई या माइनस आई लग सकता है, आपको पता है। और पैरा पोजीशन पे क्या लग सकता है, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच, प्लस आई एंड माइनस आई, ठीक है। पैरा पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब आप क्या करिएगा, हाइड्रोजन रिमूव करिएगा, कार्बो एनायन बनाइएगा। तो कार्बो एनायन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच करना पड़ेगा जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होंगे, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। और अगर इसको स्टेबल करना है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो इसके साथ कोई ऐसा अटैच कर दिए ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन इसको और डोनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी कम करेगा। तो विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ज़्यादा डालेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे, प्लस एम प्लस एच
प्लस आई। और अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिएगा, एच प्लस हटाइएगा, एक एच प्लस हटाइएगा तो बनने वाला होगा कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस एक्चुअली में क्या है, कार्बोएनाइन ही तो है, और एक कार्बोएनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब कार्बोएनाइन ही है, ठीक है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो सुनिए। सो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। आपके पास है सल्फोनिक एसिड RSO3H, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो सुनिए, H2CO3 को हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है C double bond O OH OH। PHOH को हम फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। H2CO3 को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, फिर वाटर है, फिर एल्कोहल है। तो आपको इसमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आप क्या करिएगा, एच प्लस हटाइएगा और कॉन्जुगेट बेस बनाइएगा। तो देखिए, ये एच प्लस हटाए तो बना RSO3 negative, एच प्लस हटाए RCO negative, H2CO3 में एक एच प्लस हटाए तो क्या बनेगा, HCO3 negative, इसमें से H हटाए तो ये फिनॉक्साइड आयन बना, इसमें से H हटाए तो OH- और इसमें से H हटाए तो OR-, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है वो देखिए क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है, रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता था कि ऑक्टेट कंप्लीट और सेम चार्ज ऑन सेम एटम होना चाहिए। तो इसमें तीन बार QERS हो रहा है, इसमें दो बार QERS होगा और इसमें भी दो बार QERS होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें QERS है, तो सबसे ज़्यादा तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा। फिर आप इस दोनों में देखिए, क्योंकि दोनों में QERS सेम है। अब आप देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, तो जब ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो ऐसे ही बैठा रहेगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो लोन पेयर बैठा रहेगा। सो यहाँ पे क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी कि 100% कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो गया। फिर आप इस तीनों में चेक करिए, इसमें देखिए फिनॉक्साइड आयन पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज के साथ मिथाइल है, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगता है तो चप्पल लगा इसका, तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा इससे और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा इससे, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा, ये जो ऑर्डर है आपके पास है फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड। पहले तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको नाम याद रखना पड़ेगा। फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, बेंजोइक एसिड होता है PHCOOH और एसिडिक एसिड होता है CH3COH, ठीक है। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताने के लिए अलग अलग बुक में अलग अलग थ्योरी है, पर सभी बुक में सभी थ्योरी के बाद एक लाइन लिखा हुआ है कि बाय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऐसे ऑर्डर आता है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, हमारा प्यारा राजस्थान, राजस्थान मतलब एल्काइल ग्रुप, तो हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा मतलब हमारा 4H, H4 फॉर्मिक एसिड, प्यारा मतलब PH, PH4 बेंजोइक एसिड, और राजस्थान R4 एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मतलब CH3COH। तो ट्रिक है हमारा प्यारा राजस्थान, आपको इसको ऐसा ही ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अभी अभी हमने बात किया था कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो CH3COH से ज़्यादा एसिडिक होता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से एक H हटा करके आप यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वाला अटैच कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दीजिए। देखिए एक H हटाए तो CH2 बना और इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, फॉर एग्जाम्पल FNO2CN, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा होगा। देखिए नॉर्मली फॉर्मिक एसिड का इससे ज़्यादा होगा,
पर आप एक एच हटा करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, जब आप यहाँ से आप एच प्लस हटाइएगा तो नेगेटिव चार्ज को वो खींचेगा, नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको खींचेगा, तो स्टेबिलिटी और बढ़ा देगा ना फॉर्मिक एसिड से। और ई डब्ल्यू जी यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन, एनओ टू, सी एन एटसेट्रा। एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि दो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट एक एनओ टू से ज़्यादा होता है। हमेशा याद रखिएगा आप कि दो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट एक एनओ टू से ज़्यादा होता है। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या है, एक ग्रुप दिया हुआ है और उस ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया है, कौन सा है देखिए। सो एनसीईआरटी पेज नंबर 381 पे ये पूरा ग्रुप लिखा हुआ है। इस ग्रुप को आप समझिए, इसमें अगर आप H प्लस हटाइएगा तो यहाँ तीन फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। यहाँ तीन क्लोरीन का, यहाँ दो क्लोरीन का, और यहाँ पे देखिए ये वाला केस आ गया कि CH3 में एक H हटा करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, CH3 में एक H हटा करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, इसमें भी। तो इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ HCOH से ज़्यादा होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ HCOH से ज़्यादा होगा। अब जितना ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसका उतना ग्रुप होगा। तो देखिए NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है CN से, अभी इसको पढ़ के भी आए हैं, पहले भी पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। एक बार और ऑर्डर आपको बता देते हैं ऑर्डर। सो माइनस एम ऑर्डर पढ़ के आए थे NO2 CN CHO, यहाँ पे माइनस एम तो नहीं लगेगा पर माइनस आई इफेक्ट NO2 का ज़्यादा होता है CN से, तो NO2 का ज़्यादा है CN से इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। क्यों एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब आप यहाँ से एच हटाइएगा, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो ही तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा स्टेबल देगा कॉन्जुगेट बेस को, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक आ गए। फिर आप ये ऑर्डर देखिए, ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। देखिए ये समझ में आया, आपको इस तीनों को याद करना पड़ेगा। ये तीनों है पीकेए बेस्ड, यानी कि इसका वैल्यू, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा, तो आप इसको देखिए और इसको याद करिए। और इसमें जब आप H प्लस हटाइएगा तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ये लेस प्लस आई इफेक्ट है, ये मोर प्लस आई इफेक्ट होगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि इसका लेस प्लस आई है तो ये लेस डोनेट करेगा, तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो लेस जो है कॉन्जुगेट बेस को डी स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका। आपको सिर्फ इसी तीन को याद रखना है, बाकी सब तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए H प्लस हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज लाएंगे, H प्लस हटाएंगे नेगेटिव चार्ज, H प्लस हटाएंगे नेगेटिव चार्ज, अच्छा H प्लस हटाएंगे नेगेटिव चार्ज। कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी चेक करना है, अभी हम पहले भी करके आए हैं। कार्बोएनायन को कौन स्टेबल करेगा, माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। तो देखिए एनओ टू का लग रहा है माइनस एम इफेक्ट, सी एच ओ का लगेगा माइनस एम, ओ सी एस थ्री का लग रहा है प्लस एम, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, सी, तो सबसे कम स्टेबल सी हो गया, क्योंकि सी में ओ सी एस थ्री प्लस एम लगाएगा, प्लस एम और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा, कॉन्जुगेट बेस को और डी स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे कम ये हो गया, फिर डी हो जाएगा, ठीक है, तो डी और सी में हो गया। अब इसमें चेक करिए, इसमें एनओ टू और सी एच ओ दोनों का माइनस एम, पर ज़्यादा माइनस एम किसका, जिसका ज़्यादा माइनस एम वो उतना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। तो देखिए NO2 का CHO से अभी हम बात करके आए हैं, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए कि माइनस एम ऑर्डर में NO2 का CHO से ज़्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। बेसिकली देखिए फिनॉल के ऑर्थो पोजिशन पर CH3 है, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। फिनॉल के मेटा पोजीशन पे CH3 मेटा क्रिसॉल बोलते हैं। फिनॉल के पैरा पोजीशन पे CH3 इसको पैरा क्रिसॉल बोलते हैं। और लास्ट में फिनॉल है। आप देखिए जब आप H+ हटाइएगा, नेगेटिव चार्ज बनाइएगा, तो नेगेटिव चार्ज को माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई स्टेबलाइज करेगा,
पर देखिए यहाँ सी एस थ्री का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, सी एस थ्री का सिंस यहाँ पे ऑर्थो पे था तो प्लस एम, यहाँ पे मेटा पे है तो माइनस प्लस आई सिर्फ लगेगा, मेटा पे प्लस एम नहीं लगता, और यहाँ पे प्लस एच लग रहा है, प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, पैरा पे प्लस एच इफेक्ट लगेगा, सी एस थ्री का प्लस एच इफेक्ट लगता है, प्लस एम नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक तो प्लस एच इफेक्ट लग रहा है ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ऑर्थो पैरा पे प्लस एच इफेक्ट सेम होता है। फिर आप चेक करिए कि यहाँ प्लस आई मैक्सिमम होगा, प्लस आई मैक्सिमम होगा, ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा, कॉन्जुगेट बेस को और डीस्टिप्लाइज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ ए का, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा डी का, ठीक है, और ये है प्लस आई, तो फिर होगा सी और फिर होगा बी, तो आप ऐसे ऑर्डर चेक कर सकते हैं। आया समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनॉल के 2, 4, 6 पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, 2, 4, 6 ट्राइनेट्रोफिनॉल को बुलाते हैं पिक्रिक एसिड। यहाँ देखिए NO2 का तीन तीन माइनस एम इफेक्ट, H प्लस हटाइएगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इससे इससे और इससे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें देखिए OH के ऑर्थो पोजीशन पे, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा पे है NO2 तो इसको बोलते हैं एम नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा पे है NO2 तो इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, और यह है सिर्फ फिनॉल, इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। तो देखिए यहाँ NO2 ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे है तो माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए और सी में देखिए, यहाँ पे NO2 पैरा पे है तो NO2 ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम इफेक्ट लगाता है, ठीक है। अच्छा, दोनों का माइनस एम इफेक्ट सेम होगा, फिर आप देखेंगे माइनस आई इफेक्ट, तो यहाँ माइनस आई मैक्सिमम होगा, यहाँ माइनस आई मिनिमम होगा, तो ये सबसे ज़्यादा इसको कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए ऑर्थो वाले का, फिर होना चाहिए पैरा वाले का, फिर होना चाहिए मेटा वाले का, और फिर होना चाहिए फिनॉल का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ शुड बी सबसे ज़्यादा ऑर्थो वाले का, फिर पैरा वाले का, फिर मेटा वाले का, फिर फिनॉल का, पर ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि देखिए ऑर्थो में यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो H बॉन्डिंग होने के कारण ये H प्लस नहीं निकल पाएगा, और H प्लस निकल ही नहीं पाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात की? तो इसीलिए पैरा वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थो वाले का, फिर मेटा वाले का, और फिर फिनॉल का। तो इसको याद रखेंगे, जैसे फिनॉल जो है, फिनॉल बेसिकली आपको पता है उसको साफ करने में यूज़ करते हैं, फ्लोर को साफ करने में फिनॉल यूज़ करते हैं, फिनाइल जिसको कहते हैं, तो उसको नहीं पी सकते, तो ऐसे याद रखेंगे पियो मत फिनॉल या पॉम फिनॉल, ऐसे याद रखते हैं, फिनॉल को नहीं पीना है क्योंकि उसको तो फ्लोर साफ करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो पियो मत फिनॉल, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा पैरा वाले का, यानी पैरा पे NO2, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल का, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल का, और फिर फिनॉल का। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। पहले तो आप इस दोनों में देखिए, इसमें यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन करने के लिए आप क्या करते हैं, एच प्लस हटाते हैं। तो इस दोनों मॉलिक्यूल में एच प्लस यहाँ से नहीं जाएगा, H प्लस यहाँ से जाएगा, क्योंकि अगर H प्लस यहाँ से जाता है तो यहाँ पे क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ तीन यहाँ दो, इसलिए H यहाँ से जाएगा। तो अगर आप ये H यहाँ से निकालते हैं तो इसमें तीन QERS है, तो सबसे ज़्यादा Q, सबसे ज़्यादा C का एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर B का, और फिर A का, A में H यहाँ से निकालेंगे। आपको समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CHCl3 CHF3, इसमें आप H हटाइएगा तो बनेगा CCl3, C पे नेगेटिव चार्ज, इसमें H हटाइएगा तो C पे नेगेटिव चार्ज F, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो डी स्टेप, नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगा।
सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें जब आप H प्लस हटाइएगा तो यहाँ नेगेटिव, H प्लस हटाइएगा तो नेगेटिव, H प्लस हटाइएगा तो नेगेटिव, यहाँ दो सल्फर है, यहाँ एक सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ एक बार बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ दो दो बार बैक बॉन्डिंग होगा, तो दो बार बैक बॉन्डिंग, नेगेटिव चार्ज और कम हो गया, कॉन्जुगेट बेस और स्टेबलाइज हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा, फिर इसका, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो यहाँ देखिए दो एच है, एक एच हटाइएगा तो यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, और एक एच हटाइएगा तो ऐसे बनेगा कॉन्जुगेट बेस। इसमें देखिए नेगेटिव चार्ज एच हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज जो है वो सिस्टम को एरोमेटिक बनाता है, तो एरोमेटिक बनाता है, ज़्यादा स्टेबल, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा।